जबलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मंचकुंड सरोवर पर रविवार को सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। समाज सेवी अनिल अग्रवाल की ओर से हुए इस आयोजन में धर्म, मजहब और जातिवाद की सभी दीवारें धराशायी हो गईं। समारोह में सभी धर्मों के 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। इस दौरान पंडितों, मौलवियों और अन्य धर्मों के गुरुओं ने रस्में अदा कराई। माँ के पास कन्याएं होती हैं और दहेज के लिए पैसे नहीं होते, वो रात भर कैसे परेशान होती है। उस धर्म के बार पर चलते हुए मेरे पिता ने जंगलों से उन बच्चियों को ढूंढा, अपने हाथों से उनका विवाह किया। उसी रास्ते पर चलते हुए हम 12 वर्ष से दिवाली अपने घर पे नहीं मनाते हैं। चंबल और डांगना के क्षेत्रों में जाकर उन अनाथ बच्चियों को ढूंढते हैं, जिनके माता पिता नहीं है, जिनके भाई नहीं है, जिनके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, फिर उनके रिश्ते तय कराते हैं और 3 महीने बाद उनकी शादी इसी तीर्थराज होती है। ये हमारा 5वां आयोजन है। समाज का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो अनिल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो इसमें पुलिस भी अपनी थोड़ी भूमिका निभाना चाहती है, हम लोग भी एक ऐसे समारोह के लिए कुछ दान देना चाहते हैं हमारे कोतवाल साहब की तरफ से। तीर्थराज मंचकुंड में करीब 5 साल से ये आयोजन चल रहा है, बच्चियों का शादी, जो अनाथ बच्चियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ हैं, ऐसे बच्चियों का करीब 5 साल से अनिल जी अग्रवाल द्वारा और उनके परिवार द्वारा यह भव्य आयोजन किया जाता है। बड़े दूर दराज से डांगों में से जो ऐसे ऐसे डांगों में जाके वो खुद जाके बच्चियों को देखते हैं और ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिनकी माँ ख़त्म हो गई हैं, जिनके फादर ख़त्म हो गए हैं, जिनके भाई नहीं हैं, ऐसी बच्चियों का वो अपना सब कुछ जो छवर करते हैं, उनकी शादियाँ करते हैं। चरणजीत, अच्छा कहाँ से हो? ग्वालियर से। अच्छा क्या आपकी शादी नहीं हो रही थी? नहीं। अच्छा किसने कराई? अनिल भैया। कारण क्या थे कि शादी नहीं हो रही थी? गरीब थे। अच्छा अब आप खुश हैं? हाँ जी। नया जीवन? हाँ जी। बाकी गैर मुस्लिम है और ये प्रोग्राम जनाब अनिल अग्रवाल की तरफ से हर साल किया जाता है। हम उनकी तारीफ करते हैं और उनको लंबी उम्र के लिए इनके लिए दुआ करते हैं।